प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी अपील के बाद अधिकारियों के साथ साथ लोगों में भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। वहीं अलीगढ़ में नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने बुधवार को कार्यालय पहुंचते ही शहरी आजीविका केंद्र में गरीब महिलाओं द्वारा तैयार किए गए 5000 खरीदी मास्क को खरीदकर इसकी शुरुआत की। शहरी आजीविका केंद्र में तैयार 5000 मास्क को महिलाओं ने नगर निगम में नगर आयुक्त का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नगर आयुक्त ने इस आपदा की घड़ी में शहरी आजीविका केंद्र में काम करने वाली सैकड़ों महिलाओं को रोजी रोटी उपलब्ध कराई, इसके लिए हम उनको कोटि-कोटि नगर आयुक्त का आभार व्यक्त करते हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री ने पहल की और इसकी हमने शुरुआत की। इस पहल को नगर निगम सत लागू करने का प्रयास करेगा। इसी प्रयास के क्रम में स्वदेशी उद्योग व स्वदेशी कामगारों की मदद से नगर निगम शहरी आजीविका केंद्र माध्यम से खादी के 5000 मास्क खरीदे गए हैं। आपको बता दें, मास्क पीपी किट शहरी आजीविका केंद्र में गरीब महिलाओं के हाथों से तैयार सामान को खरीदने का रहेगा। नगर आयुक्त ने कहा, स्वदेशी रोजगार व स्वदेशी कामगारों को बढ़ावा देने का दायित्व हम सबका है, इसलिए अलीगढ़ शहर के सभी सरकारी व गैर सरकारी विभाग शहरी आजीविका केंद्र में तैयार मास्क पीपी किट व अन्य आवश्यक सामान को खरीदें, क्योंकि सभी के प्रयास से देश को यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दीपक शर्मा, अलीगढ़। किस तरह के मास्क आज आपने नगर आयुक्त को दिए हैं? सर, ये खादी फाइन था, उसका हमने बनाया है और इनके नगर आयुक्त साहब के सहयोग से ही हम ये कार्य पूरा कर पाए। इन्होंने हमें सहयोग करा है और हमारे मास्कों को खरीदा। मैं इसलिए इनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि हमें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। नगर आयुक्त साहब हमारे लिए सोच रहे इतना कि हम महिला इतना आगे बढ़े। मैं आरती स्वयं सहायता समूह से, आरती चौधरी मित्रनगर से हूँ। पीपीई किट, डागिरी, अचार का भी हम इसमें कर रहे हैं अपना। हम अचार भी शुद्धता से बना रहे हैं, पूरा सैनिटाइजिंग करते हुए, एप्रिन पहन के, मास्क वगैरह सब शुद्धता और सोशल डिस्टेंसिंग देते हुए हम सारा अपना कार्य पूरा। सर, खादी के मास्क खरीदने की क्या व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई है? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक आर्थिक पैकेज दिया गया, जिसमें समाज के हर तबके के लिए कोई ना कोई योजना है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीबों, विशेषकर महिलाओं को रोजगार देना सरकार का एक लक्ष्य है। इस दिशा में शहरी आजीविका केंद्र बनाया गया है और शहरी आजीविका मिशन के तहत ये केंद्र स्थापित है। उसके तहत हमने कई महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए। उन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ये मास्क तैयार किया गया है। ये फाइन खादी का मास्क है, ये ऑटोक्लेव में स्टरलाइज है, बिल्कुल सेफ है। इसको नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए हमने लिया है और हम बाकी से भी अपील कर रहे हैं कि इन महिलाओं द्वारा बनाए गए मास्क को यदि आप खरीदते हैं तो उन गरीब शहरी महिलाओं को रोजगार आप देते हैं, उनकी आप मदद करते हैं। तो कृपया खादी के इन मास्क को खरीदें और शहरी गरीब महिलाओं के स्थापित समूह की और उनके परिवारों की